अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं बनाना मिल्क शेक। तो ये फटाफट से ही बन जाता है, जिनको नहीं आता है उन्हें बताते हैं। इस तरीके का बड़ा केला है तो हाफ ले लेते हैं। हम सिर्फ एक ही गिलास बना रहे हैं, तो एक गिलास बनाने के लिए आपको छोटा केला है तो पूरा ले सकते हैं, वरना ये हाफ भी काफी रहेगा। इसको हम इसके अंदर कट कर लेते हैं और इसी के साथ साथ हम इसमें डाल देते हैं आइस क्यूब 4 डाल देते हैं, और हम डालते हैं इसके अंदर ये गोल्डन शुगर सिरप है। ये देखें, हमारा होममेड है, ये आप जरूर बना के रखें। आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप हनी डाल सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हमने डाल दिया है, एक गिलास में इतना काफी रहेगा। हनी भी नहीं है तो आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। तो हम इसको घुमा कर लाते हैं और ये बिल्कुल तैयार मिलेगा। इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें ये चॉकलेट के पीस डाल देते हैं, इससे ये हमारा चॉकलेट तैयार हो जाएगा बनाना शेक। घुमा के लाते हैं, सारा बनाना शेक तैयार है, वही जार ले लेते हैं। अब हम बनाते हैं चॉकलेट शेक। हम इसमें चॉकलेट डाल देते हैं, कोई भी चॉकलेट ले लीजिए, और हम इसमें डालते हैं दूध। ये भी हम सिर्फ एक ही गिलास बनाएंगे, और इसको थोड़ी थिकनेस देने के लिए हम इसमें डालेंगे वेनिला आइसक्रीम, और हम इसको भी घुमा कर लाते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चॉकलेट सिरप, और थोड़ा सा ही हम डालेंगे गार्निशिंग में, बस इतना सा ही डालेंगे। हम इसको भी घुमा कर लाते हैं लेते हैं। अब हम ओरियो शेक बनाते हैं। ओरियो के बिस्किट डाल देते हैं, क्रीम के साथ ही डाल देंगे हम ये तोड़ के। एक गिलास में 4 ही डाल देते हैं। हम इसमें डालते हैं वेनिला, नहीं है तो आपके पास कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं, हमने स्ट्रॉबेरी ले ली है। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गोल्डन शुगर सिरप डाल देते हैं, बस इतना ही काफी रहेगा। आधा गिलास दूध डाल देते हैं और इसको हिला के लाते हैं। तो पहले डालते हैं बनाना चॉकलेटी शेक। ये देखें, आप इसके अंदर बर्फ डाल सकते हैं, ज्यादा थिक पसंद है तो हमने आधा केला लिया है, आप पूरा भी केला ले सकते हैं। ये चॉकलेट मिल्क शेक है। अब ये डाल देते हैं इसके अंदर, इस तरीके का बनाए बिल्कुल झाग वाला बढ़िया सा। और अब डालते हैं मिल्क शेक डाल देते हैं, इससे ज्यादा थिक बनाना है। तो बिस्किट हमने 4 डाले हैं, आप 5 भी डाल सकते हैं, वैसे ये ऐसा ही सर्व किया जाता है। इसके अंदर हम डाल देते हैं ये वनीला आइसक्रीम, दिखेगी भी अच्छी और जायका भी बढ़िया देगी। इसमें डाल देते हैं स्ट्रॉबेरी, इसमें डाल देते हैं चॉकलेट सिरप। ये आप कोई से में भी डाल सकते हैं, तो हम ये डाल देते हैं बस। और हम इस वाले में एक अपना देसी तड़का भी दे देते हैं, तो हम ये डाल देते हैं ड्राई फ्रूट थोड़े से ऊपर से। ये देखें, ये कितना बढ़िया सा दिखने लगा है, और चॉकलेट तो इनमें थोड़ी थोड़ी सी सब में ही है, तो क्यों ना हल्का सा चॉकलेटी बना दें इसको, बस इतना सा ही। तो ये बनाएं हमारे तरीके से बनाएं, ये बहुत इजी है, किसी में भी थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूर बनाएं शेक, हमारे तरीके से बनाएं, हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।